नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम बात करने वाले हैं हार्दिक पांड्या की सर्जरी के बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप के बाद ही रेस्ट दिया गया था, उसके बाद उन्हें वेस्ट इंडीज के दौरे में भी शामिल नहीं किया गया था। और अब जब उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ दौरे में शामिल किया गया था, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे T20 मैच के बाद से हार्दिक पांड्या अपने पीठ दर्द से परेशान थे। जब इसकी जांच की गई तब पता चला कि हार्दिक पांड्या को पीठ की सर्जरी करवानी पड़ेगी। इसके बाद हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के फिजियोथेरेपी योगेश परमार के साथ 2 अक्टूबर को लंदन के लिए रवाना हुए। फिर उन्होंने 5 अक्टूबर को अपने सोशल मीडिया हैंडल से बताया कि उनकी जो सर्जरी है वो सक्सेसफुली हो गई है और अब उनके हालात ठीक है। इसके बाद से हार्दिक पांड्या अब 2 महीने तक क्रिकेट के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे और उसके बाद ही वे मैदान में कमबैक कर पाएंगे। इससे पहले भी हार्दिक पांड्या 2018 में एशिया कप के दौरान ही बैक इंजरी से परेशान हो चुके थे और उस दौरान उन्हें मैदान से स्ट्रेचर से बाहर ले जाया गया था। अब खैर उनके हालात ठीक है और हम आशा करते हैं कि जल्दी हार्दिक पांड्या ठीक हो जाए और उसके बाद हम जल्दी उन्हें मैदान में देख पाए। आपकी इस पर क्या राय कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए जय हिंद जय भारत।